हेलो गाइस एंड सत श्री अकाल, दिस इज करण शर्मा फ्रॉम जोधपुर। तो गाइस आज हम रिव्यू करेंगे टेंसो का जिनसेई रैकेट। बेसिकली ये रैकेट अभी लॉन्च हुआ नहीं है, तो टेंसो की टीम ने ये रैकेट भेजा था एंड मोस्ट प्रोबेबली बाय 12th of February ये रैकेट लॉन्च हो जाएगा। तो चलो फिर ये रैकेट को रिव्यू करते हैं एंड इस रैकेट के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स मैं भी आपको बताता हूँ। एंड गाइस अगर आप चैनल पे न्यू हो तो साथ साथ सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस इस रैकेट के तीन कूल थिंग्स मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। फर्स्ट इज इट्स मेड इन इंडिया। तो ये रैकेट की जो फैक्ट्री है वो चंगोदर में है। मेरे को आपको फैक्ट्री भी दिखाने का बहुत मन था, तो अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे ये है फैक्ट्री टेंसो की। तो ये चंगोदर में है, दिस इज बेसिकली सदर्न पार्ट ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो आप देख सकते हो ये फैक्ट्री में सारे रैकेट्स मैन्युफैक्चर होते हैं टेंसो के। तो टेंसो के वाइड रेंज है, स्क्वाश के रैकेट्स बनाते हैं, टेनिस के रैकेट बनाते हैं, पिकल बॉल भी बनाते हैं एंड बैडमिंटन तो ऑफकोर्स बनाते ही है। आई फील प्राउड टू से दैट दीज आर मेड इन इंडिया रैकेट्स। सेकेंड पार्ट इज द स्ट्रिंग टेंशन। कंपनी कमिट करती है इसको 33 lbs तक का, तो डेफिनेटली द बिल्ड क्वालिटी इज वेरी गुड, तभी 33 lbs कंपनी ने बोला है इसके बारे में। बट मेरा रिकमेंडेशन इस रैकेट के लिए है 26 or 27 lbs, उससे ऊपर ना जाए। आपको ऑलरेडी पता है कि बिगनर्स के लिए 24 लेस होना चाहिए, इंटरमीडिएट के लिए 4 से 27 के बीच में होना चाहिए एंड एडवांस प्लेयर्स उसके ऊपर स्ट्रिंग टेंशन यूज करते हैं। बट आपको मैं रिकमेंड करूंगा 26 या 27 lbs के लिए। थर्ड थिंग मुझे जो अच्छी लगी इसमें एक एनर्जी बूस्ट कैप है जो बेसिकली हाई एंड रैकेट्स में देखा जाता है, विच हेल्प्स इन स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट शाफ्ट फ्रॉम ट्विस्टिंग। तो बेसिकली जो बैक हैंड शॉट्स भी होते हैं उसमें बहुत क्लीन लगेंगे आपके और ये क्या ये घूमेगा नहीं बेसिकली। तो दैट इज वन थिंग विच आई रियली लाइक। तो गाइस ये रैकेट की फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो काफी फ्लेक्सिबल है, आप देख सकते हो, और इसकी क्वालिटी काफी अच्छी यूज की गई है। नाउ गाइस कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसका जो मटेरियल है वो ग्रेफाइट मटेरियल है एंड बेसिकली यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंजीनियर्ड टेंसो ग्रेफाइट। तो गाइस वेट की बात करें तो 79 approximately ग्राम्स वेट है इस रैकेट का। बैलेंस की बात करें तो 305 mm बैलेंस है। स्ट्रिंग की बात करें तो इसमें T65.65 mm का परफॉर्मेंस स्ट्रिंग यूज किया हुआ है, तो विच इज वेरी गुड। स्ट्रिंग टेंशन का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 33 lbs तक कंपनी बोलती है, बट 26-27 से ऊपर मत जाना। तो गाइस रैकेट लेंथ की बात करें तो 675 mm है रैकेट का लेंथ। ग्रिप साइज की बात करें तो G4 है एंड उसका लेंथ है 86 mm। रैकेट के लुक की बात करें तो गाइस यहाँ पे आपको टेंसो का लोगो ही मिल जाएगा टी जॉइंट पे, ठीक है। एंड ओवरऑल इसका हाई मॉड्यूलस कार्बन यूज किया गया है ये पूरे रैकेट में और काफी लाइट है ये रैकेट। गाइस एक और चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रैकेट का जो कवर है ना आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। जनरली ये इतनी अच्छी क्वालिटी में हाई एंड रैकेट्स में ही देखता हूँ। अंदर आप देख सकते हो प्रॉपर कुशनिंग की हुई है और काफी मोटी कुशनिंग है, तो ऑल अंदर में ना मोटे मोटे वो लगे हुए हैं, कुशन लगे हुए हैं अंदर में। टेंसो का लोगो आप देख सकते हो इस तरह से एंड पीछे लिखा हुआ है बाउंस बैक ऑलवेज। तो गाइज इसकी प्राइस की बात करें तो आप कुछ गैस करना चाहते हो, 1099 ओनली। आई थिंक फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों में सेल होगा। तो जो प्राइस ये रैकेट सेल होगा वो है 1099। वाओ, सच अमेजिंग प्राइस। तो गाइस चलो अब टेस्ट करते हैं रैकेट को, फिर आपको हम अपना फाइनल वर्डिक्ट देते हैं कि कैसा रहा ये रैकेट। Now guys, as per my final verdict, मैंने इसको टेस्ट किया रैकेट को, दो दिन मैंने अच्छे से इस रैकेट को रगड़ा। तो बेसिकली इसका जो स्ट्रिंग टेंशन जो अभी कंपनी फिटेड आया हुआ है, आई फेल्ट इट वॉज 20 या 22 lbs, उससे ज्यादा मेरे को लगा नहीं, ठीक है। सो मैं ये रैकेट सजेस्ट करूंगा बिगनर्स और इंटरमीडिएट प्लेयर्स के लिए। देखो फोर हैंड जो टॉस था ना बहुत ही क्लियरली जा रहा था, उसे मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, ज्यादा मेरे को पावर जनरेट नहीं करना पड़ रहा था, स्मैशिंग में मेरे को दिक्कत नहीं हुई। इसमें अगर आप 26 lbs लगा लेते हो ना तो स्मैशेज में आप क्लियर निकलेंगे,
तो गाइज मैंने अपने फ्रेंड्स लोग को भी दिया, उन्होंने इस भी इसे रैकेट से खेला, उनको भी काफी अच्छा लगा रैकेट। एंड प्राइस को लेके सबने मेरे को यही बोला कि ये अराउंड 2500 का रैकेट है, किसी ने गेस नहीं किया था कि ऑलमोस्ट अराउंड 1000 का हो सकता है ये रैकेट। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा गाइस ये टेंसू जिनसी रैकेट को रिव्यू करने का। मैं ये डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा रैकेट आप ले सकते हो, क्योंकि प्राइस सोचो ना यार कितना कम है, 1099 ओनली एंड मेड इन इंडिया रैकेट है, तो यार गो फॉर इट। मैं आपको बाइंग लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ऑल्दो जैसे ही ये लॉन्च होता है माइट बी लिंक्स थोड़े चेंज हो सकते हैं, मैं आपको लेकिन डेफिनेटली लिंक्स भी अपडेट कर दूंगा। एंड गाइस अगर कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरीज हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं हर एक का कमेंट देखता हूँ एंड डेफिनेटली आई विल रिप्लाई बैक टू यू। ओके तो थैंक यू सो मच। तो गाइज ये बाकी के रैकेट्स को तो डेफिनेटली बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन देने जा रहा है, तो कुडोज टू द टेंसर टीम फॉर ब्रिंगिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक दबा देना, नहीं तो कोई इशू नहीं है। एंजॉय करो, खाओ पियो, मस्त रहो, इसी तरह गाइस प्यार बनाए रखो। एंड अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, टेक केयर।